नेक्स्ट लाइब्रेरी इज़ कॉल्ड टेंसर फ्लो ये दिस इज़ नॉट जस्ट लाइब्रेरी बल्कि इस ये एक पूरा एकोसस्टम है विद इन इट सेल्फ अगर हम ये कह रहे हैं कि वी आर टॉकिंग व पाइथन पाइथन लाइब्रेरीज़ और वो लाइब्रेरीज़ के अंदर ये जो टेंसर फ्लो है जैसे पांडाजा फ़र्ज़ करें पांडाज के अंदर बेशुमार चीज़ें इसी तरह अगर हमने जो और डिफरेंट लाइब्रेरीज डिस्कस कि कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि लिमिटेड हैं जिनके फीचर्स कुछ ऐसे हैं जिनके फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा हैं तो टेंसर फ्लो इज़ वन ऑफ दैम इसके अपने इसके अंदर जो लाइब्रेरीज हैं और जो फंक्शन फीचर्स अवेलेबल है दे आर क्वाइट रिच एंड इट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिवली यूज अगेन इन मशीन लर्निंग एनवास अच्छा इसमें फिर ये रिसर्चर्स के, के लिए डेफिनेटली देखिए हम जब आप फर्ज करो हेल्थ साइंस की जब हम बात करते हैं टेलीकॉम की बात करते हैं और हम डेमोग्राफिक की बात करते हैं सोशल यू नो जो हमारे इन्वामेंट्स होते हैं प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो एवरीवेयर डेटा इज़ डेफिनेटली डेटा की जो हैंडलिंग है वो हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है डेटा की हैंडलिंग और फिर उस डेटा से रिलेटेड इवन के डाटा कलेक्शन से पहले जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसके लिए या कोई ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आपने डाटा इकट्ठा करना है डाटा को प्रोसेस करना है एंड उसको एनालाइज़ करना है तो ये आप वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड के रिसर्चर्स क्योंकि वो दे आर ऑल्सो डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च जो सोशल एनालिस्ट हैं या आपके डाटा एनालिस्ट हैं ज़रूरी नहीं कि वो जो बंदा लैब में बैठा है रिसर्च करा वो ही रिसर्च है एवरी अदर जो जो हम जिन चीज़ों की बात करें ये भी सारी रिसर्च के अंदर ही यू नो कंसिडर होती हैं बेसिकली अच्छा इसका जैसे मैंने कहा कि इसका जो अपना एक्ोसिस्टम है इट्स वेरी वेरी फ्लेक्सिबल और बहुत रिच है इसके अंदर अपनी लाइब्रेरीज़ हैं अपने फंक्शन है फीचर जैसे अगर हम एस क्यू एल के डाटा बेस की बात करते हैं इनो एस क्यू एल के डाटा बेस की बात करें तो उसके अपने बेशुमार फंक्शन होते हैं फीचर्स होते हैं इसी तरह टेंसर फ्लो जो है इट इज़ वेरी रिच इन फीचर्स एंड फंक्शन इसके अंदर फिर आपकी देखिए कि अपने टूल्स अवेलेबल हैं इसके अपने राइट right? फिर लाइब्रेरीज और अगेन इसकी जो कम्युनिटी है दैट इज़ वेरी वेरी रिच पाइथन वी आर सींग फ्राम द वेरी बिगनिंग पाइथॉन की जो स्ट्रेंग है वो उसकी कम्युनिटी है इसी तरह जो टेंसर फ्लो है इसकी स्ट्रेंग इवन दो इट फॉल विद इन दैट लेकिन जो कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें दैट इज़ रिमार्केबल और ये बड़ा ज़बरदस्त है टेंसर फ्लो की जो सक्सेस है उसके लिए जब टैंसर और फ्लो ये बेसिकली अगर हम देखें तो दो इसके पार्ट्स हैं और उसको आई ट्राई टू एक्सप्लेन एंड शेयर विद यू कि ये क्या है किस तरह से काम करें टेंसर क्या है टैंसर इज़ बेसिकली जो आपकी एक रे है या डेटा का स्ट्रक्चर है उसको हम टेंसर कहते हैं कि वो डेटा जिस तरह से आपकी जो इंटरेक्टिव डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है डेटा साइंस की या पाइथन की उसके अंदर वो डेटा जिस तरह से पड़ा है दैट इज़ कॉल्ड टेंसर और जब आप उसको प्रोसेस करते हैं उसको हैंडल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड फ़्लो तो बेस्ड ऑन दिस इसका नाम उन्होंने टेंसर फ़्लो रखा है इसमें आप देखिए हमारे पास एक डाटा सेट है पूरा ये एक आई I मीन mean, एक मैट्रिक्स है बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है वी आर नॉट रियली कंसर्न एट दिस पॉइंट कि ये किस चीज़ का डाटा किसी भी चीज़ का हो सकता है वी आर नॉट रियली कंसर्न उसके अंदर जो डिफरेंट जो आपके ये जो सेल्स हैं कुछ के अंदर डाटा है बाकी सारे आपके ब्लैंक हैं या एम टी हैं या नल है अभी हमें ये भी नहीं पता कि ये जो डॉट डॉट्स हैं इनका क्या मकसद है बट इट कैन बी यू नो इट मीन्स एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ नल है ये कोई इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है बट हो सकता है कि अगर हम इसको बड़े परस्पेक्टिव में देखेंगे तो जब या टेबल को एक्सपेंड करके देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ और डायमेंशन में इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो राइट तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो एक छोटा सा आपको पीस मैं दिखा रहा हूँ अगर इसमें कुछ कॉलम खाली हैं कि उसके अंदर डाटा है इट मे नॉट बी रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट पिक्चर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इसलिए इसको फिर पूरा देखना ज़रूरी है कि इसके और ये डाटा आया कहाँ से आपके पास ये किस तरह आया यू you नो know? आपके पास मीन इन योर सिस्टम ये डाटा कहाँ से आया तो आपके पास यकीन इसकी पूरी हिस्ट्री अवेलेबल होगी उसका पूरा जो आर्किटेक्चर अवेलेबल होगा एज ए डाटा साइंटिस्ट बट दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये आपकी जो एजुकेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसको इस वक्त यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और जो फिर फ्लो है उसके अंदर ये फ़्लो बिल्कुल ऐसे ही है आपका वो जब हम वो जो डेटा पाइपलाइन की बात करते हैं कि आपने यहाँ से आपके पास डेटा आया आपने उसके अंदर कुछ फंक्शन ऐड किए आपने उसको कुछ और फंक्शन ऐड किए दैन यू गॉट योर रिज़ल्ट राइट तो ये बेसिकली आपका एक टेंसर फ्लो की लाइब्रेरी है अब इसको असल आपको समझ इन चीज़ों की तभी आएगी जब आप इनको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और मे भी आप जब अपना लर्निंग शुरू करेंगे प्रैक्टिकली जो आप पाइथन के अंदर कोडिंग शुरू करेंगे तो टेंसर फ्लो में नॉट बी दी फर्स्ट वन लेकिन नम पाई साई पाई और जो कुछ इस तरह की लाइब्रेरीज़ हैं उनको आप यू नो यूज़ करेंगे या Matplotlib प्लॉट लिप को या सी बॉन को यूज़ करेंगे और टेंसर फ्लो में भी जब आपका ना थोड़ा सा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एक आपको कुछ चीज़ें करना आ जाएंगी देन यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि ये कितने काम की चीज़ें और आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और अगेन वही बात आ जाएगी कि जी डेटा मॉडलिंग आपके पास डेटा कैसा है स्टेटिस्टिकल मॉडल कौन सा यूज़ करना है और वो आपने इसको ट्रेन किस डेटा पे करना है ट्रेनिंग डेटा कौन सा है टेस्ट डेटा कौन सा है प्रोडक्शन का जो एक्चुअल डेटा है वो कौन सा होगा आपके पास तो ये ये वही सवाल है बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चन है विच यू विल हैव टू ऑलवेज आस्क यूर सेल्फ एज ए डेटा साइंटिस्ट यू नो और मैं उनको हम बार बार डिस्कस करते रहे पहले भी और करते रहेंगे बट यू ऑलवेज़ हैव टू कीप इन माइंड जो पूरा आपका वो जो डेटा पाइपलाइन है वो क्या है इसका मकसद है? आप क्यों कर रहे हैं एंड दिस इज़ एप्लीकेबल इन ऑल योर प्रोजेक्ट्स